नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन के एक साल होने पर बहुत तरह की चर्चाएं हैं, बहुत तरह के विवाद हैं। नोटबंदी मेरी दिखा में तो सफल नहीं है, ज्यादातर तो सफल हुई है। नोटबंदी से देश की आम जनता बहुत परेशान हुई है। कोई मान रहा है कि नोटबंदी बहुत सफल रही, कोई मानता है कि नोटबंदी के परिणाम आने में अभी समय लगेगा, और कोई मान रहा है कि नोटबंदी पूरी तरह से विफल रही। राजनीतिक रोटियां सेकने की बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी कायम है, और वो सवाल ये है कि नोट बदली करने से या नोटबंदी करने से देश सुधरे न सुधरे, मानसिकता बदलने से ये देश जरूर सुधर सकता है। क्योंकि एक कड़वी हकीकत यह है कि इस देश के केवल 4% लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, और बाकी लोग जो टैक्स नहीं चुकाते हैं, या बाकी लोग जो टैक्स चुकाने को अपराध मानते हैं, या ये मानते हैं कि अगर इस देश में भ्रष्टाचार है, कालाबाजारी है, रिश्वतखोरी, तो हम टैक्स क्यों भरें। वह ये मानते हैं कि टैक्स हमारे पर एक अत्याचार है, लेकिन अगर टैक्स अत्याचार है तो उसका सही तरीका क्या हो? नोटबंदी ना हो, जीएसटी ना हो, तो फिर ऐसा क्या हो जो इस देश के विकास में योगदान दे और सभी को देश से जोड़ने में कामयाब हो? नोटबंदी को लेकर बवाल और सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि न नोट बदलने से, न नोटबंदी करने से, और न ही सत्ता बदलने से हमें वो हासिल हो रहा है जिसकी तलाश में देश बरसों से भटक रहा है। दरअसल वो जो हासिल होना है वो न सत्ता बदलने से मिलेगा, न नोट बदलने से मिलेगा, वो मानसिकता बदलने से मिलेगा। जरा सोचिए।